शिट मैन, मर गया बेचारा। और बहुत बड़ा है यार, चलो कम से कम साइड में हो गया। हेलो इंटरनेट, यू नो हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम कुछ प्लान करते हैं और चीज़ें उस अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। वैसे ही सीन इस बार कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरा प्लान इस बार उत्तराखंड कवर करने का था, इनफैक्ट चारों धाम को कवर करने का मेरा प्लान था। पर ऋषिकेश पहुंचने के बाद ये चीज़ पक्का हो गई कि मैं जिस हिसाब से उत्तराखंड घूमना चाहता हूँ उस हिसाब से नहीं घूम पाऊँगा। तो वहाँ से मैंने अपना नेक्स्ट प्लान कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया, तो मैं ऋषिकेश से ही डायरेक्टली स्पीति सर्किट कंप्लीट करने के लिए चल दिया। तो नेक्स्ट कुछ एपिसोड्स में अगर आपको मैं उत्तराखंड या चार धाम के बारे में बात करता हुआ दिख जाऊँ तो समझ जाइएगा। तो अब शुरू करते हैं हमारा हैदराबाद से स्पीति सर्किट पूरा करने का सफर। अभी थोड़ी सुबह है इस वजह से ज़्यादा गर्मी नहीं है, और तेलंगाना में इस समय इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, पर जब हम महाराष्ट्र और एमपी में पहुंचेंगे तब गर्मी बढ़ती जाएगी। दोपहर में 1-1.5 बजे तक या शायद 2 बजे तक हम नागपुर पहुंच जाएंगे, और उस टाइम गर्मी काफ़ी तेज़ होगी। हालांकि पूरे नॉर्थ इंडिया में गर्मी ज़्यादा है, और पहाड़ों पर पहुँचने में मुझे कम से कम 2.5 दिन लगेंगे, 2 दिन दिल्ली तक पहुँचने में, फिर 1 दिन उसके बाद दिल्ली से आगे पहाड़ों पे। पहाड़ों पे जाने के बाद हम थोड़ी राहत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम हैदराबाद से तो बाहर निकल के आ गए, पर आज इस रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा मिल रहा है मुझे। आई फील लाइक बिकॉज इट्स संडे लॉट ऑफ पीपल आर ट्रैवलिंग। एक्चुअली मेरा जो बाइक पर लगेज है वो इस बार थोड़ा ज़्यादा है, तो उस वजह से जो मेरा बैकपैक है जो मैंने अपने कंधे पर पहना हुआ है वो मेरे हेलमेट में अड़ रहा है, जिससे मेरा हेलमेट मेरा सिर पूरी तरह से मूव नहीं कर पा रहा, एंड दैट्स कॉजिंग मी अ लॉट ऑफ इरिटेशन एंड हेडेक। अभी इसका कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा, वरना ऐसे तो नहीं चला जाएगा। पेट्रोल का रेट है 103, ऑलमोस्ट 104। बाप रे बाप। ए पपी पपी पपी, कहाँ जा रहा है भाई? नहीं 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 नहीं, चलो उधर, चल उधर उधर। रोड पे मत जाना। कितना छोटा सा प्यारा सा है। ओके गाइस, तो हमने पेट्रोल फुल करा लिया। भाई पेट्रोल के प्राइस देख के तो सर दर्द और ज़्यादा हो जाता है। करंटली पेट्रोल इज एट 104 रुपीज़, ऑलमोस्ट 104। सो अभी लगेज के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेरा जो पीछे वाला बैग है, बाइक के पीछे जो लगता है, वो उसकी हाइट अब यूजुअल से ज़्यादा हो गई है। तो जिसकी वजह से ये जो मैंने कंधे पे बैग लगा रखा है, ये मैं पहले उस पर टिका देता था और प्रॉपर बैलेंस हो जाता था। अब क्या हो गया, पीछे वाले बैग की, मेन बैग की हाइट थोड़ी बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा सामान ले लिया। उसकी वजह से ये जो मेरा बैग पैक है वो भी थोड़ा ऊँचा हो रहा है। अब उस वजह से मैं अपना सिर पीछे नहीं कर पा रहा, बिकॉज द बैग इज़ ब्लॉकिंग माई हेलमेट। ये इतने से यहाँ आगे लेके आ सकता हूँ, इतने से ऊपर नहीं ले जा पा रहा मैं, और जिस वजह से मेरा सिर फोर्सफुली आगे रहने को मजबूर है, और जिससे मेरा थोड़ा थोड़ा हेडेक भी हो रहा है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपना बैग थोड़ा ढीला कर लिया ताकि थोड़ा सा तो रूम मिले, फिर जाके इसका इलाज ढूंढेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो मेरे इस चेहरे पर बड़ी सी स्मेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किसी बड़ी ट्रिप पर जा रहा हूँ। सो वैसे तो मैं मॉर्निंग में जल्दी निकल गया था, ऑलमोस्ट 6:30 करीब, और उस टाइम ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाया बिकॉज पता नहीं किसी वजह से मुझे हेडेक ज़्यादा हो रहा था। एक तो थोड़ा लगेज का मेरा सेटअप चेंज हुआ है, जिस वजह से हेलमेट का मूवमेंट काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हो गया है, उससे मेरे नेक में थोड़ा सा पेन था। मे बी उस वजह से शायद मेरा
मुझे हेडेक हो रहा होगा या फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मैंने प्रॉपरली नहीं किया, मे बी उस वजह से हेडेक हो रहा होगा, या फिर रात को मैं प्रॉपरली नहीं सो पाया। तो दो चार रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा मूड सा ऑफ था, उतना एक्साइटेड नहीं फील कर रहा था। लेकिन अब थोड़ा आगे चलने के बाद वापस एक्साइटमेंट वापस आ गई। हम हैदराबाद नागपुर हाईवे पर हैं अभी। नागपुर यहाँ से तकरीबन 3 घंटा दूर है, ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर्स, 3 से ज़्यादा मेरे ख्याल से 4 घंटे लग जाएंगे प्रॉपरली। तो यहाँ पे मैंने अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया था, चलते चलते थोड़ा थकान सी फील हो रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्रेक लेने का डिसाइड किया। मैंने इसे ना प्रॉपरली बांधा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इसको इसके अंदर से लगा रखा है। आई एम जस्ट होपिंग कि ये टूटे ना किसी भी तरफ से, बिकॉज टूटता है तो ये पूरा जाएगा। और मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं इसे किसी बैग के अंदर रख सकूँ। लग तो नहीं रहा टूटेगा, बट लंबे ट्रिप पर कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आजकल ना ये तितलियाँ बहुत हो रही हैं, आप मेरे वाइज़र पे देख सकते हो, बहुत सारी तितलियाँ आके टकराई हैं। मेरा हेलमेट का वाइज़र पूरा ऐसे इसी चक्कर में ख़राब हो गया, बार बार मुझे क्लीन करना पड़ेगा। मानसून में ये तो फ़ायदा रहता है कि सब तरफ आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, पर इंसेक्ट्स भी इसके साथ बहुत सारे आते हैं। जस्ट लुक, एब्सोल्युटली लश ग्रीन फॉरेस्ट, लश ग्रीन ट्रीज, और ये हम किसी रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में से जा रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा ग्रीन दिखेगा। लवली, इसमें चलाने का मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, पर मज़ा बहुत आ रहा है। लगता है हम तेलंगाना महाराष्ट्र की बॉर्डर पे आ गए हैं। सो भी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मैं इलेक्ट्रॉल लेके आया था पर उसे भरना भूल गया। मैं अब थोड़ा सा पानी में इलेक्ट्रॉल डाल के पीता हूँ, बिकॉज़ ये करना बहुत ज़रूरी है। सो भी इतना ही है, आधे बॉटल से थोड़ा कम, पर इससे काम चलाते हैं। फिर बाद में जब लंच करूँगा उस टाइम बहुत ज़्यादा भर के रखूँगा आगे के लिए। ओके, सो हमारा ये छोटा सा रिफ्रेशमेंट ब्रेक ख़त्म हो गया। ऐसे ब्रेक लेते रहने चाहिए बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है। पानी है भैया? एक पानी की बोतल दे दो। ओह, फाइनली वो पानी का ब्रेक भी हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बहुत ज़्यादा गर्मी है और स्वेटिंग भी काफ़ी हो रही है, ऐसे में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये वेज नॉन वेज, अरे भी बंद है यहाँ पे, सारी रेस्टोरेंट बंद है क्या? चल क्या रहा है, ओपन है? ओपन है ये तो। ओके गाइस, सो यहाँ लंच मेरा हो गया, और आज का टारगेट हमारा सागर नहीं है। सागर से कुछ 120 किलोमीटर पीछे एक और जगह है, हम वहाँ तक जा रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जा रहे इस बार। मेरे पास वो टाइम बाउंडेशन नहीं है जो पिछली बार थी, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर चल सकता हूँ, और जो कि बहुत ज़रूरी है। इतनी गर्मी में तो मेरी हालत ख़राब हो रही है, इसलिए मुझे सर्दियों में जाना पसंद है। मुझे यहाँ से यू टर्न लेके जाना। कौन सी जगह है भैया? नागपुर, नागपुर ही है ना? नागपुर बाईपास, ठीक है भैया। ओके ठीक है। तो अब हम जिस स्ट्रेच पर हैं, ये नेशनल हाईवे 44 का रूट है जो एकदम स्मूथ तरीके से बना हुआ है, प्रॉपर मार्किंग के साथ। एट प्रेजेंट हम जिस फ्लाईओवर पर जा रहे हैं वो एनिमल क्रॉसिंग के ऊपर बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि नीचे से इसमें से जानवर जाते हैं और ऊपर से ट्रैफिक जाता है। वरना पहले क्या होता था, जानवरों को रोड के बीच में से क्रॉस करना होता था, जिसमें बहुत बार एक्सीडेंट्स भी जाते थे। ओह मैन, लुक एट दिस, ये एक सांप है। शिट मैन, मर गया बेचारा, और बहुत बड़ा है यार। इसे साइड में करूं क्या?
चलो कम से कम साइड में हो गया। जहरीला है क्या? लग तो नहीं रहा, पर खैर मुझे पता भी नहीं है सांपों के बारे में। हाँ, अब मेरे ग्लव्स गंदे हो गए थोड़े। सड़क के बीच में रहता तो इसके ऊपर गाड़ियाँ जाती रहती हैं, इसलिए मैंने साइड में कर दिया। मैं पीछे यही डिस्कस कर रहा था, एनिमल कॉरिडोर्स क्यों बनाए जाने चाहिए। ऐसे ही एक्सीडेंट्स बाकी और जानवरों के भी होते हैं। आई एम स्टिल फीलिंग बैड फॉर दैट स्नेक। कितना बड़ा था, इतना बड़ा था मैंने पहली बार देखा। रोड होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए, मतलब फिर तो गाड़ी चलाने में आनंद ही आनंद। पूरी गाड़ी लीन हो सकती है अगर आप एक्सपर्ट हो, कर सकते हो तो। और इतने अच्छे कर्व्स हैं, मज़ा आ जाता है। रोड को देखो यार, दिल खुश हो गया। सुबह से चला रहा हूँ इतनी गर्मी में, पक भी गया था, पर यहाँ पे आके मन खुश हो गया। द सनसेट व्यू इज ऑलवेज सो मेसमराइजिंग। ओके, सो आज का मेरा स्टॉप यहाँ पे रहेगा। ये नरसिंहपुर करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, तो आज मैं यहीं तक ही अपना सफ़र रखता हूँ। सो गाइस, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन 8:30 बजे पहुँच गया था। जाने का तो प्लान काफ़ी आगे तक था, मैं सोच रहा था कि सागर तक पहुँच जाऊँगा। सागर यहाँ से 120-130 किलोमीटर दूर है, पर मुझे रास्ते में बहुत थकान होने लग गई डिहाइड्रेशन की वजह से। बहुत ज़्यादा गर्मी थी उसकी वजह से, और मॉर्निंग में थोड़ा लेट भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करते, यहाँ पर ही रुक जाते हैं। अभी मैं मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में हूँ। आज का दिन बहुत टायरिंग था, मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि गर्मी होगी पर इतनी ज़्यादा होगी और इस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ेगी, ये इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ पहुँचने के बाद मैंने अपना थोड़ा सामान वगैरह निकाला, अनपैक किया। मुझे अपना लगेज सेटअप थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा लगेज मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा, बैग तो बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। और मैं देखता हूँ उसका क्या करना है आगे, मुझे अपने साथ लेके जाना है नहीं लेके जाना, बिकॉज लेके जाने में बहुत परेशानी हो रही है। सो उसका मैं आज अभी सॉल्यूशन निकालूंगा और मॉर्निंग तक उसको पूरा सॉर्ट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस सीरीज में मेरे साथ रहिए, हम बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। सो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।